हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं नई वीडियो सीरीज रिलीज कर रही हूँ जो कि फाइल हैंडलिंग इन C++ के बारे में है। इस वीडियो सीरीज में मैं फाइल हैंडलिंग इन C++ के बारे में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो सेशन में मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन C++ और द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग इन C++ आपको देने वाली हूँ। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब मेरे वीडियोज को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना ना भूलिए, बेल रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइल्स क्या होते हैं। तो फाइल्स जो होते हैं, हम यूजुअली डेटा स्टोर करने के लिए फाइल्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो फाइल्स में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उसी ऑपरेशंस को हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? तो फाइल हैंडलिंग जो होता है वो एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। किस पे? फाइल्स पे। तो इसे हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। और ये जो फाइल हैंडलिंग होता है इन C++ वो स्ट्रीम्स की हेल्प से होता है। अभी ये जो स्ट्रीम ये हेडर फाइल होती है और ये एब्स्ट्रैक्शन है जो कि हम यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और फाइल पे हमें वही करना है, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो उसके लिए हम स्ट्रीम यूज करेंगे। तो ये जो स्ट्रीम होती है वो हमें मदद करती है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। मेनली यहाँ पे दो टाइप्स है स्ट्रीम्स के। सबसे पहला स्ट्रीम जो कि इनपुट के लिए हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। अभी अगर हमें इनपुट कीबोर्ड से लेना है तो उसके लिए हमें इनपुट स्ट्रीम यूजफुल होती है जिसका नाम है ifstream। और अगर हमें फाइल से इनपुट लेना है तो उस इनपुट स्ट्रीम का नाम है ifstream। दूसरा वाला जो टाइप होता है वो होता है आउटपुट स्ट्रीम। अभी हम आउटपुट कहाँ कहाँ पे भेज सकते हैं? तो मेनली हम आउटपुट जो भेजते हैं वो एक तो है स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे जो यूज करता है ओ स्ट्रीम। और अगर हमें फाइल पे आउटपुट भेजना है और हमें फाइल पे कुछ राइट करना है तो उसके लिए हमें यूजफुल होता है ofstream। ये सारी चीजें इन डिटेल मैं आपको कंसेक्यूटिव 2 स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है इनपुट स्ट्रीम। तो ये हो गया आपके इनपुट, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू टेक द इनपुट। तो सबसे पहले हो गया कीबोर्ड और द फाइल। ये दोनों में से अगर आप इनपुट ले रहे हो तो उसके लिए आपको ifstream एंड ifstream ये इनपुट स्ट्रीम्स रिस्पेक्टिवली हेल्प करेंगे। और अगर आपको आउटपुट दिखाना है तो उसके लिए आपको आउटपुट स्ट्रीम लगेंगी जो कि होती है ओ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम। तो ओ स्ट्रीम यूज करके हमें आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे दिखता है और ओ एफ स्ट्रीम यूज करके हमें आउटपुट जो है वो फाइल पे राइट करने के लिए मदद होती है। तो ये हो गए हमारे इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रीम क्लासेस क्या होते हैं। तो अगर हमें कीबोर्ड और स्क्रीन यूज करनी है तो उसके लिए स्ट्रीम क्लासेस है ifstream एंड ofstream। कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है इसलिए ifstream, स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाना है इसलिए ofstream। और ये दोनों मिला के जो होता है वो होता है ifstream। अगर आपको पता है, याद है तो आप याद कर सकते हो कि कौन से भी C++ के प्रोग्राम के सोर्स फाइल में आपको ये हेडर फाइल, ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। तो ये हो गया आपका, अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना है और स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना है।
पर हमें जो अभी बातें करनी है वो फाइल के साथ करनी है. तो अगर मुझे फाइल के साथ वर्क करना है तो हमें कौन कौन सी स्ट्रीम क्लासेस यूज करनी होगी. तो आई एफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम जो हमें इनपुट के लिए यूज करनी होती है रीडिंग के लिए आई कैन से. और ओ एफ स्ट्रीम इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम जो कि हमें राइटिंग पर्पज के लिए दैट इज आउटपुट के लिए हमें यूज होती है. तो आई एफ स्ट्रीम इनपुट के लिए मतलब रीडिंग के लिए, ओ एफ स्ट्रीम जो कि है आउटपुट के लिए मतलब डिस्प्ले के लिए, और वी कैन से राइटिंग के लिए ऑन द फाइल्स. तो ये दोनों मिला के जो फाइल होती है वो होती है एफ स्ट्रीम. अगर दोनों आपको इंक्लूड दोनों हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हम एफ स्ट्रीम क्लास यूज करेंगे सेपरेटली. सिर्फ हमें अगर रीडिंग करना है तो हम आई एफ स्ट्रीम यूज करेंगे सेपरेटली. अगर हमें सिर्फ राइटिंग करना है तो हम ओ एफ स्ट्रीम यूज करेंगे. और अगर दोनों करने हैं तो हम एफ स्ट्रीम यूज करेंगे. तो ये हो गए वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट स्ट्रीम्स कि हमें क्या यूज करना है. अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या होता है स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम हमें कैसे यूज करना है. तो ये हो गए हमारी फाइल सिस्टम जो कि हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमें डेटा रीड करना है. तो रीड करने के लिए हम आई एफ स्ट्रीम यूज करेंगे. तो हमें क्या करना है, रीड करना है डेटा, पर किसके हेल्प से, इनपुट स्ट्रीम जो कि होता है आई एफ स्ट्रीम उसकी मदद से हेल्प से हमें डेटा रीड करना है. तो ये तो डेटा अभी रीड हो गया, रीड होने के बाद हमें वो डेटा प्रोसेस करना है. तो वो प्रोसेस कौन करेगा, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो डेटा प्रोसेस करेगा. तो अभी प्रोग्राम को अगर इनपुट हमने वो डेटा दे दिया, प्रोग्राम ने डेटा प्रोसेस कर लिया, वो आउटपुट जनरेट करेगा. तो वो प्रोसेस डेटा जो होगा ये इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा. तो हमें ये फिर से प्रोसेस डेटा जो है वो हमें राइट करना है. तो उसके लिए हमें किसकी मदद लगेगी, उसके लिए हमें आउटपुट स्ट्रीम की मदद लगेगी जो होती है ओ एफ स्ट्रीम जो हमें डेटा फाइल पे राइट करने के लिए मदद करेगा. तो ये क्या कर देगा, हमारा डेटा जो है वो फाइल पे डिस्क पे राइट कर देगा. तो ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम जिस पे हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम यूज करके डेटा रीड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस जो डेटा है वो यहाँ पे राइट कर लेंगे. इन दोनों ऑपरेशन के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए, हमें इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम इसका मतलब आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम की जरूरत होती है. तो ये फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, डिस्क फाइल से डेटा रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम की मदद से प्रोसेसिंग के लिए वो प्रोग्राम को भेजेगा, प्रोग्राम प्रोसेस डेटा, आउटपुट हम राइट कर देंगे आउटपुट स्ट्रीम की मदद से फिर से फाइल पे. तो यही ऑपरेशन साइकिल हमारा हमेशा चलता रहता है जिसको हम फाइल स्ट्रीम्स और फाइल ऑपरेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं और फाइल हैंडलिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं. अभी फाइल हैंडल करने के लिए हमें और एक चीज की जरूरत होती है जो कि है फाइल पॉइंटर. तो ये फाइल पॉइंटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर जो होता है वो हमें फाइल ओपन होने के बाद जो कि हमें जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करने के लिए मदद करता है. तो ये जो फाइल पॉइंटर होता है वो हर एक फाइल के साथ एसोसिएटेड होता है, जो फाइल जिस फाइल के साथ आप अभी काम कर रहे हो. तो ये फाइल पॉइंटर हमेशा करंट पोजीशन, कर्सर की करंट पोजीशन का ट्रैक रखता है. तो इस फाइल पॉइंटर की मदद से हम फाइल में से डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. अभी ये जो फाइल पॉइंटर है वो हमेशा ऑटोमेटिकली आगे जाता है. अगर हम रीड कर रहे हैं डेटा, राइट कर रहे हैं डेटा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट कर रहे हैं, तो हमें प्रोग्रामर को उसको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाता है. जितने बाइट्स आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, अकॉर्डिंगली वो एडवांस होते जाता है, नेक्स्ट पोजिशन पे अपडेट होता रहता है. तो ये सारी
चीज है बेसिक्स अबाउट फाइल पॉइंटर, क्योंकि फाइल पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है. उस फाइल पॉइंटर के साथ ही हमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. अभी अगली वाली स्लाइड पे मैं आपको ओपनिंग मोड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कितने ओपनिंग मोड्स और उसका क्या क्या मीनिंग है, कब हम उसे यूज करना है. तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम में मोड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, दिए हुए हैं उनका. यहाँ पे वो किसके लिए स्टैंड करते हैं वो दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन है. तो सबसे पहला मोड जो है वो इन मोड है, जो कि कहा जाता है इनपुट के लिए. तो अगर हमें फाइल इन के लिए मतलब रीडिंग के लिए ओपन करनी है, तो हम ओपन फंक्शन में ios:in वाला मोड यूज करेंगे, जो कि वेरिएबल है ifstream का, क्योंकि ifstream जो है वो हमें रीडिंग के लिए मदद करती है. तो जब भी हमें इन मोड में फाइल ओपन करनी है, वो हमारा जो फाइल पॉइंटर होगा वो ifstream का वेरिएबल होगा. ये जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड मोड है, वो है आउट मोड, दैट इज आउटपुट मोड, जिसपे हमें अगर फाइल राइटिंग पर्पज के लिए ओपन करनी है, मतलब कि आउटपुट के लिए ओपन करनी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. जहां तक कि स्ट्रीम का सवाल है, तो आउटपुट के लिए हम ofstream यूज करेंगे. अभी मान लो आपके पास जो फाइल आपको ओपन करनी है राइटिंग पर्पज के लिए, वो क्रिएटेड नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो ये आउट मोड वो फाइल क्रिएट करेगा और ब्लैंक फाइल आपको ओपन करके देगा आपके राइटिंग पर्पज के लिए. पर ifstream में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फाइल रीडिंग के लिए आप ओपन कर रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ डेटा होना चाहिए, तभी ये रीडिंग पर्पज के लिए ओपन हो सकता है. अभी अपेंड मोड करके अगला वाला मोड है, जो होता है एपीपी, जो स्टैंड करता है अपेंड के लिए. अभी अपेंड में हमें क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द फाइल हमें डेटा एड हम और अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसलिए अपेंड मोड है. तो अगर मेरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो अपेंड मोड में अगर मैं ओपन करती हूँ तो उसमें का डेटा प्रिजर्व रहेगा और वो एट द एंड पे हम नया वाला डेटा राइट कर सकते हैं. पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल अगर हम आउटपुट मोड में ओपन करते हैं, तो उसका डेटा, पहला डेटा वैनिश होके ये फाइल रीओपन होगी एज अ ब्लैंक फाइल. तो पहला वाला डेटा यहाँ पे नहीं रहता है अगर हम आउटपुट मोड पे फाइल ओपन करते हैं. अगला वाला मोड है ATE, वो जो स्टैंड करता है एट द एंड के लिए. तो डायरेक्टली अगर हमें एट द एंड ऑफ द फाइल जाना है, तो उसके लिए हम ATE मोड यूज कर सकते हैं. अगला वाला मोड है बाइनरी, जो कि बाइनरी फाइल ओपन करने के लिए हमें मदद करता है. तो अगर हम बाइनरी फाइल पे बाइनरी डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, डॉट डैट फाइल बेसिकली बाइनरी मोड में यूज होती है. और लास्ट वाला मोड है ट्रंकेट मोड, जो TRUNC उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि स्टैंड करता है ट्रंकेट के लिए. तो वो क्या करता है, तो ये जो करता है वो कंटेंट्स डिस्कार्ड करता है ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल. तो वो एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट डिस्कार्ड करता है अगर आपको राइट के लिए फाइल ओपन करनी है. तो ये सारे मोड्स यहाँ पे ओपनिंग मोड्स है, जो कि आपको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. मुझे यहाँ पे आनंद हो रहा है कि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज कमेंट देना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं इस वीडियो सीरीज का अगला वीडियो यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, और इसी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विथ द चैनल टेक टॉक्स. थैंक यू.